हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्यूरियस सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई चेल्सी आर स्ट्रगलिंग, और जिस तरह से चेल्सी का इस सीजन प्रीमियर लीग और अभी चैंपियंस लीग में भी अपना परफॉर्मेंस जिस तरह से रहा है, तो क्या है चेल्सी के रीजंस कि वो इतनी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है हमें। तो इन सब के बारे में गाइस हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चेल्सी को इम्प्रूव करनी चाहिए, और थॉमस टुखल को क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इन सब के बारे में मैं अपने थॉट्स रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो चेल्सी ने की अगर हम ट्रांसफर विंडो की बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने पैसे स्पेंड नहीं किए, प्लेयर लाए नहीं है। तो पैसे भी काफ़ी, आई मीन 250 मिलियन स्पेंड किए दिस ट्रांसफर विंडो, तो दैट्स अ मैसिव, आई मीन आई थिंक इन प्रीमियर लीग टॉप थ्री में तो डेफिनेटली आएंगे इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। तो आपने ऑलरेडी 250 मिलियन इस ट्रांसफर विंडो में खर्च कर दिए, और आपकी जो मतलब स्टार्टिंग में सब ऐसा बोल रहे थे कि जब ट्रांसफर विंडो हुई चालू, तो ऐसा बोल रहे थे कि हमारा डिफेंस वीक पड़ गया है, कि रूडिगर चला गया है, क्रिस्टेंसन चला गया है, और तब ऐसी बातें चल रही थी कि किसका रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढेंगे। लेकिन आपने उसका रिप्लेसमेंट आई थिंक मतलब उससे भी बेहतर प्लेयर लेकर आके किया है इन टर्म्स ऑफ कुलूबाली और फोफाना, आप देख लीजिए। तो ये तो बिल्कुल मतलब अपग्रेड ही है, अगर आप क्रिस्टेंसन और रूडिगर से मतलब आप सेम लेवल पर भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर है, फोफाना और कुलूबाली। तो आपका मतलब डिफेंस का जो प्रॉब्लम था वो मतलब शॉर्ट कर दिया आपने। फिर आते हैं आपके मिडफील्ड के प्रॉब्लम में, तो मिडफील्ड में आप मतलब आपके पास आपने गैलेगर को रोक लिया, फिर लास्ट डे पे डेडलाइन डे पे आपने डेनिस चाकरिया को साइन किया क्योंकि कांटे वहाँ पे इंजर था, फ्रेंकी डियोंग के लिए जा रहे थे आप, और अभी पता लग रहा है कि क्यों आप फ्रेंकी डियोंग के पीछे इतना मतलब थॉमस टुखल चाहता था कि वो आए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि कहाँ पे वो लेग कर रहे हैं। और अटैक में आप देख रहे थे कि अटैक में भी वो एक चाहते थे रहीम स्टर्लिंग को, तो आप लाए एज अ कैसे लगा का गया इसलिए। लेकिन उसके बाद भी लास्ट डेडलाइन जब आपने ओबामियांग को भी साइन किया, तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं था। तो आपने मतलब पूरा जम के अपने जो तीनों ही पोजीशन है मिडफील्ड डिफेंस एंड अटैक, उसमें तो मतलब हेविली इन्वेस्ट किया है इस ट्रांसफर विंडो में। तो उसमें तो मना नहीं कर सकते हम, आप मतलब ये रीज़न नहीं दे सकते कि हमारी जो ट्रांसफर विंडो थी उसमें हमने कुछ अच्छे साइनिंग नहीं किए हैं, तो ये तो मतलब एक कोई रीज़न नहीं है। तो फिर दिक्कतें कहाँ आ रही है, क्योंकि आप देखिए कि प्रीमियर लीग के 6 गेम में से 3 गेम आप जीते हैं, एक दो हारे है और एक ड्रॉ है। तो इसमें भी आप देखिए कि कन्विंसिंग विन अगर कोई बोले तो मेरे को तो कन्विंसिंग विन उसमें से एक भी नहीं दिखता, बल्कि जब वो स्पर्स के सामने जो ड्रॉ था चेल्सी का, वहाँ पे लगी थी चेल्सी, जो हम ऑलवेज जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि चेल्सी किस तरह से फुटबॉल खेलती है और किस तरह से डोमिनेट करती है। तो वो हमें सबसे जो मेरे को अभी तक का जो जितना भी इस सीजन का चेल्सी का गेम प्ले है उसमें सबसे ज़्यादा कोई मुझे अच्छा लगा हो तो वो अगेंस्ट स्पर्स है, जहाँ पे वो पूरे मतलब डोमिनेट फोर के चांसेस में चांसेस सब कुछ मतलब परफेक्ट लग रहा था। बाकी अगर आप देखिए कि सीजन कैंपेन की स्टार्ट भी आप देखिए कि प्री सीजन में भी उतना इम्प्रेस नहीं किया था प्लेयरों ने, तब तो कुछ प्लेयर के साइनिंग भी नहीं हुए थे। लेकिन बाद में अगर देखिए कि जैसे ही सीजन स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए फर्स्ट मैच में एवर्टन के सामने आपने कैसे भी करके विन हासिल कर लिया, लेकिन वो उतना कन्विंसिंग विन नहीं था, हमको भी पता है जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा था। फिर आप देखिए लीड्स के सामने आप कैसे स्ट्रगल किए जैसे ही आपका कॉन्टे इंजर्ड हुआ। तो मिडफील्ड में तो मतलब बिल्कुल एक दिक्कत है ही कि मिडफील्ड में जैसे ही कांटे इंजर्ड हुआ तो मतलब पूरी आप बोल सकते हैं कि पोल खुल गई हो, ऐसा कुछ हो चुका है कि कोई भी और प्लेयर आ रहा है वो इतना स्टेप अप नहीं कर रहा है, या फिर इतना थॉमस टुखल की सिस्टम को इतना रीड नहीं कर पा रहा है कि जो एक कांटे से वो डिलीवर करवा पाता था, वो मतलब कोई और प्लेयर चाहे वो रोबन लेप्टस्टिक को यूज़ किया हो, मेसन माउंट को यूज़ किया हो, गैलेगर को यूज़ किया हो, किसी को भी यूज़ किया हो, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट, या फिर कोविसिस और जोर्जिनो की प्लेयर भी खिलाई हो, इस तरह का इम्पैक्ट अभी तक हमें मतलब जो आप देखिए कि कोविसिस कांटे या फिर जोर्जिनो कांटे जो दिलाते थे मिडफील्ड में वो नहीं देखने को मिला है। तो ये बताते हैं कि मिडफील्ड का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। और कल का लॉस भी आप देखिए कि इस तरह से चेल्सी ने मतलब पूरा अगेन डायनेमो ज़ाग्रेब खेला है मैच अपना, तो चांसेस ही नहीं क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी मिडफील्ड में मतलब आपने मेसन माउंट जो आपके अटैकर प्लेयर है उसको आपने थोड़ा सा डिफेंसिव साइड का रोल दे दिया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ज़रूर मतलब रेज होते हैं अगेंस्ट थॉमस टुखल। और सबसे बड़ी जो एक
इस सीजन वीकनेस देखने को मिली है कि जो सेट पीसीस और कॉर्नर है उसमें मतलब एरियल ड्यूएल्स में काफ़ी चेल्सी इस सीजन स्ट्रगल कर रही है। आप अगर स्टेट्स देखें गाइस तो प्रीमियर लीग के 6 मैच में से उसने मतलब चार चार सेट पीसीस कंसीड किए हैं, 4 गोल, जबकि पिछले पूरे सीजन में जो पूरा चेल्सी का कैंपेन था प्रीमियर लीग का 2021-2022 उसमें मतलब पूरे सीजन में आपने 4 गोल कंसीड किए थे इन कॉर्नर यू कैर और यू कैन से इन सेट पीसीस, जबकि अभी के इस सीजन के ओनली 6 मैच हुए और आपने ऑलरेडी 4 गोल कंसीड किए हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी एरियल वनरेबिलिटी कितनी है, आप एरियल में कितने मतलब अभी वीक है। और ये थॉमस टुकल ने भी इसको आइडेंटिफाई किया है और इसको एड्रेस किया है कि हम वहाँ पे वर्क तो डाल रहे हैं लेकिन उस तरह का रिजल्ट हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। तो एक आपकी एरियल वनरेबिलिटी दिख रही है। फिर आपका जो एक अटैक में जो मेरे को लग रहा है कि आपके पास मतलब ओबामियांग को आपने जरूर साइन किया है, वो मतलब 2-3 मैच लेगा ऑब्वियसली, वो डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह से मतलब एक वो चाहिए आपको कि अटैक में जो एक थ्रेट, वो मतलब चेल्सी की जो अटैकिंग फ्रंट लाइन है, चाहे आप स्टर्लिंग को लाए हो, ओबामियांग को लाए हो, लेकिन जो उस तरह का मतलब वो अभी तक वो मतलब एक थ्रेट पोजेस नहीं करते जिस तरह से हम या फिर लिवरपूल सिटी इन सबको काउंट करते हैं, या फिर आप आर्सेनल को भी काउंट कर लिए, अभी तो यूनाइटेड का भी देख लीजिए। तो इन इन तरह के वैरायटी के प्लेयर आई थिंक चेल्सी के पास नहीं है। मोस्ट ऑफ दी सेम ही टाइप के, आप देखिए विंगर में भी जीएच या फिर आप स्टर्लिंग को खिला रहे हैं, या फिर एवर्ट्स खेल रहा है, मेसन माउंट खेल रहा है, पुलिसिक खेल रहा है, तो इस ये लोग इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे जो एक आप अटैकर से चाहते हैं कि कोई जो मैच में कोई मैच स्टक हो चुका हो उसमें आप देखिए कि चाहिए कि किसी एक अटैकर का एक वो आउटस्टैंडिंग प्ले, तो वो कोई दिखा नहीं रहा है अभी तक। और अब्रोजा ने काफ़ी ग्लिम्सिप दिखाए है लेकिन देखते हैं कि वो भी इस सीजन कैसा करते हैं। तो आई थिंक अटैक में तो मतलब डेफिनेटली जो चांसेस अब चाहिए चेल्सी को उतने ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे, बिल्कुल वो है। और मिडफील्ड में कॉन्टेक्ट के जाने के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, वो भी एक फैक्टर है। और डिफेंस में भी अभी वल्नरेबिलिटी दिखने लगी है धीरे धीरे, तो इसको भी मतलब शॉर्ट आउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एरियल ड्यूल्स आपको मतलब आपको पता है कि प्रीमियर लीग में कितना वो इम्पोर्टेंट रखते हैं सेट पीसेस, और टीमें फिजिकल भी होती है, तो ये भी एक इम्प्रूव करने का बात है। और मेंडी का भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेरे को लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो एक थॉमस टुकल के लिए आप देखिए ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टीम अभी काफ़ी स्ट्रगल भी कर रही है और कॉन्फिडेंस भी लो है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीमियर लीग में भी मतलब आप जो मैच जीत रहे हो जो भी मैच उसमें भी मतलब इतना कन्विंसिंग आप दिख नहीं रहे हो, जैसे वेस्ट हैम वाला मैच हो गया तो वहाँ पे भी आप मतलब होल्ड, आप अगर आपने स्टार्टिंग में भी अगर गोल स्कोर कर दिया है तो आप उसको होल्ड अप नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप स्टार्ट में गोल नहीं कर पाते हो तो फिर आप गोल करने के लिए स्ट्रगल करते जा रहे हो। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही है, लेकिन आई होप कि चेल्सी और थॉमस टुकल इसको जितना जल्दी एड्रेस करें, क्योंकि इस सीज़न ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग भी चालू हो चुका है, ऑलरेडी प्रीमियर लीग के भी 6 गेम हो चुके हैं, तो समय निकलता जा रहा है और आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मतलब काफ़ी जल्दी इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब तो टाइम नहीं देना चाहिए, टाइम तो मतलब देना ही चाहिए, लेकिन आपको सीजन को भी और मैचेस को भी और शेड्यूल को भी ध्यान में रखकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट सीजन की तरह नहीं है कि इसमें मतलब आपको मिड सीजन तक जाएंगे तो आपके पास भी चांस बना रहा होगा, लेकिन क्योंकि इस सीजन मैचेस काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसा ना हो कि चैंपियंस लीग में भी वो हो। और मेरे को भी पता है कि ये वन ऑफ दी लॉस्ट है अगेंस्ट डायनेमो ज़ाग्रेब, लेकिन हमें मतलब फ्लॉस तो दिखे हैं और चीज़ें भी ऐसी दिखी है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए चेल्सी को, मतलब काफ़ी जल्दी चाहिए, क्योंकि आपके पास आपने साइनिंग भी की है, प्लेयर भी आपके पास है, तो फिर आप उससे क्यों ये परफॉर्मेंस अभी नहीं निकलवा रहे, वो मतलब काफ़ी एक वो हो गया है क्वेश्चन थॉमस टुकल के सामने। तो लेट्स सी कि चेल्सी फैन इसको कैसे कैसे देखते हैं। और आप देखिए कल के मैच में भी डायनामो ज़ाग्रेब के सामने भी कि किस तरह से उन लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो ये थे माय थॉट्स अबाउट दी चेल्सी स्ट्रगलिंग। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि चेल्सी क्यों स्ट्रगल कर रही है, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर प्लेयरों में वो दिख रहा है, या फिर थॉमस टुकल को अपनी प्लेइंग स्टाइल चेंज करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो इन सब के बारे में आप भी मेरे को अपने थॉट्स बता सकते हैं कमेंट में। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।